भगवान कह रहे हैं जिसकी बाकी सारी अभिलाषा शून्य होगी, जिसमें ज्ञान भी नहीं आएगा, कर्म भी नहीं आएगा, आदि 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 कुछ भी, कि मैं रोज पीपल में जल चढ़ाता हूँ, मैं शिव जी के शिवलिंग में जल चढ़ाता हूँ, मैं शनि महाराज जी को तेल चढ़ा के आता हूँ और मैं हॉस्पिटल खुलवाता हूँ। ज्ञान कर्म ये तो कर्म होते हैं ना, कर्म है ना, कर्म आदि अनाविध तो सब साइड, अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनाविध। अनुकूल ये ना कृष्णानु, जो कृष्ण के लिए अनुकूल है वो करता हूं, भक्ति उत्तम करता तो मैं उसको भक्ति प्रदान करता हूं। अगर कोई बोले मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, भगवान में ये भक्ति नहीं दूंगा, तू पंडिता ही कर ले, अगर भक्त है तो बात कर, नहीं है तो पंडिता ही कर ले, अच्छी बात। तो जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, हमार को पढ़नी आए या ना आए, समझ में आए या ना आए, अगर हम रोज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान हमारे से लाखों गुना खुश होंगे इंस्टेड की सारी समझ में आ रही है। अरे समझ में आ रही है तो बढ़िया है, उसमें क्या प्रयास कर रहे हो, लेकिन नहीं समझ में आ रही फिर भी जान मार रहे हो, भगवान को समझने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो काम कर रहे हो। ऐसे तो बच्चा भी बोल सकता है पांचवी का, सातवीं का, छठे का, दूसरे का, मेरे को पढ़ाई नहीं समझ में आ रही, जबरदस्ती है क्या? आप क्या बोलोगे? बेटा कर देंगे, हम खुश होंगे बेटा, आप पढ़ोगे हमारे को अच्छा लगेगा, बोलेंगे ना? तो बच्चा कहता ठीक है, आप जब इतना ख्याल रखते हो तो मैं भी आपके लिए पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, बेटा दसवीं में अच्छे नंबर ले गए, हमारा नाम रोशन होगा। ठीक है करते हैं। तो बच्चा भी तो बोल सकता है ये इतनी मुश्किल पढ़ाई है, दसवीं का बोर्ड, फिर बारहवीं का बोर्ड, उसके बाद बोलोगे खत्म होगी पढ़ाई? नहीं है बेटा, अब तो कॉलेज में शुरू हुई है, फिर कॉलेज अब खत्म होगी? नहीं नहीं बेटा, पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद खत्म होगी? नहीं नहीं बेटा, नौकरी तो करनी पड़ेगी, कब मैं टेंशन फ्री होऊंगा? नहीं बेटा 60 साल तक, फिर 60 साल जिंदा कौन रहने वाला है? और प्राइवेट नौकरी में तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट भी नहीं होती, जब तक मरता नहीं चलता जा रहा है, और अगर रिटायरमेंट हो भी जाए ना तो हम दूसरा काम ढूंढते हैं कि खाली कैसे बैठे, बोर हो जाएंगे घर पे बैठे। भगवान ने बोला 50 साल के बाद ना भक्ति में पूरी तरह से आना, पूरी तरह से, चलो 60 साल कलयुग मान लो, उसके बाद क्यों? कब एंड है किसी चीज का? किसी चीज का कोई एंड नहीं, नेवर एंडिंग प्रोसेस। हाँ लेकिन अभी जैसे माता जी प्रभु जी से बात कर रहा था कि हम 60 साल के बाद काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो, कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता, उसमें भगवान कैसे प्रसन्न होंगे कोई बताएगा? मैंने एक रेस्टोरेंट और खोल दिया 60 साल के बाद, उसमें भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? आप मैं बताना, आप जैसे कोई बोल, जैसे मैंने रेस्टोरेंट खोला है, मैं वो कर्म कर रहा हूँ अपना, अब मैं उस आजीविका को अपने लिए ना यूज करके भगवान के भक्तों के लिए उसका वेरी गुड, एक बार जोर से करो। तो ये थॉट आना कृष्णा कॉन्शियस, उसका मतलब ये नहीं कि सारी कमाई दे रहा हूं, लग रहा है कि मैं दे सकता हूँ कंफर्टेबली, मेरे को 60 साल के बाद भी शायद पैसे की जरूरत हो सकती है, मेरी सेविंग ज्यादा ना हो, तो जितना मेरी नेसेसिटी है उतना मैं घर पे रख लूं, कि मेरे को 50% चाहिए रख लिया, 70 चाहिए रख लिया, 30 तो दे दो, या 10 ही चाहिए तो 90 दो, इससे ज्यादा चाहिए नहीं होता, 60 साल तक सब लोग सेविंग कर चुके होते हैं। और हमारे मेंटर्स जो है ना वो तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, जितना आप सेविंग करते हैं ना उसका ना 10% भी यूज नहीं करते मरने से पहले, वैसे तो बहुत ज्यादा बना रहा हूँ। आजकल तो मेडिक्लेम ऐसे है, कोई ये नहीं बोल सकता बीमारी में करोड़ों लग जाता है, मेडिक्लेम कराई रखी है आपने 15-20-25 हज़ार की, कोई लगेगा लाख रुपये तो कंपनी देगी, है ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि हम हर चीज में कृष्णा कॉन्शियस आ जाए और प्रयास करते रहे तो भगवान जल्दी जल्दी खुश होते हैं। भगवान कहेगा देखो 60 साल का हो गया फिर भी नया बिजनेस करने का प्रयास कर रहा है, और इसकी चेतना में ये आ रहा है कि मुझे भगवान के भक्तों को घर बुलाना है, उनको अच्छे से प्रसाद खिलाना है, भगवान के ड्रेसेस बनवानी है, जन्माष्टमी आ रही है, मंदिर में दान देना है, मंदिर में दान देना है, मंदिर में खिचड़ी बटती है, खिचड़ी का दान देना है, मंदिर में झूलन यात्रा आ रही है, झूला बनवा देता हूँ भगवान के लिए, मंदिर में इतने फंक्शन हो रहे हैं, लाखों भक्त आएंगे उनका प्रसाद, मंदिर छोटा सा मंदिर कैसे पूरा करेगा? चलो प्रभु जी हम सारे मिलके, जितने भक्त आएंगे 10,000 भक्त आएंगे 5,000, हम सब मिलके करेंगे,
मंदिर का ब्रह्मचारी नौकरी नहीं कर रहा, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी कुछ और बनती है। तो ये चेतना आना बहुत जरूरी है। हर धर्म में ये लिखा हुआ है क्लियर कट, मिनिमम 10% ऑफ द सैलरी इज गिवन टू चैरिटी। ये वैसे गलत लिखा हुआ है, 100% गलत लिखा। पता कितनी होती है, आप सुनोगे तो मिल जाओ 50% होती है। पर कलयुग है, 50% देंगे भूखे मर जाएंगे। तो अब मन पे हाथ रख के बोलना भी नहीं, मन में सोचना, क्या आप 10% भी हर महीने का देते हैं? लाखों में से कोई बिगड़ा होगा तो देने वाला। अब अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर, जैसे मेरी वाइफ भी वर्किंग है, मैं भी हूँ, सपोज दोनों मिलकर लाख रुपए कमाते हैं, क्या हर महीने में 10,000 रुपए दान देता हूँ? तो वो मैटर करेगा। 90,000 अपने लिए कंफर्ट है। तो जब ये वाली चेतना आ जाएगी ना, तो भगवान देखो कमाई क्या करता है, फिर भगवान आपको 10,000 के लिए शॉर्ट नहीं करने पड़ेगा, वो कहेगा 2,00,000 में आप बता दो कितना करना, आपके खर्चे तो 90,000 के थे, क्या आप 1,10,000 देते हैं? तो भगवान ने कोई मतलब 10% नहीं दे, 20,000 दे दे आपको भी नहीं, 10,000 ठीक था कमाई, 1,00,000 का 2,00,000 भी नहीं, 10,000 ठीक है, बहुत ज़्यादा है 10,000 की। इससे पहले तो बंदे जाता था 10-10 रुपये के फुल लग में नोट डालता ना, बस चार बार जाता ना 10-10 रुपये नए भी डाल के आता ना, मेरी वाइफ भी डाल देती 10 रुपये 10 रुपये, अच्छा मम्मी ने 50-100 रुपये। हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है, बट टॉपिक है भी जरूरी। देखो मैंने अभी नीचे आप लोगों को बताया, कृष्णा कॉन्शियस इट डजंट मीन कि भगवत गीता खोली प्रवचन दिए साधु वाह, हम कोई साधु नजर आ रहे थे, कोई साधु। हाउ टू लिव प्रैक्टिकल लाइफ, उसमें भक्ति कैसे होती, दैट इज कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण इन कॉन्शियसनेस, इन चेतना, हमारी चेतना में कृष्ण कैसे है। तो चेतना में कृष्ण ऐसे आएंगे कि यार मुझे जन्माष्टमी में कुछ सेवा करनी है, अपनी यथाशक्ति से। वैसे दान की डेफिनेशन पता है किसी को, आप में से किसी को भी पता है दान की डेफिनेशन? दान मतलब सब कुछ पता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन में होता है दान की डेफिनेशन, वैसे बात तो सही है, लेकिन हम लोग दान की परिभाषा में ना वही बोलते हैं, दान वो होना चाहिए जो पिंच करे आपको। करण के बारे में सबने सुना होगा, वो हर सूर्य को जल देता था, और वो क्या बोलता था सूर्य को जल देने के बाद, कि इसके बाद कोई भी कुछ भी दान में मांगने आएगा ना मैं दे दूंगा, कुछ भी में। तो उससे युद्ध के टाइम पे क्या मांग लिया गया, कवच और कुंडल, क्योंकि पता था जब तक कवच और कुंडल है वो मर नहीं सकता। तो इंद्र आए और पहचान गया इंद्र, उसने बोल दिया आप इंद्र हो, मुझे मालूम है कि आप अर्जुन के लिए मांगने आए हो, बट मेरा प्रॉमिस है ये मैं दान देता हूँ। तो दान उसको पिंच कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो दान में वाला पिंच है। क्या हमारे को 10-20-100-200 रुपये डालते हुए अगर हमारी जेब में 5,000 है, 100 रुपये डालते हो पिंच होता है कुछ, 5,000 नहीं होगा, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, वो दान होता है। दान में दो चीजें आ जाती हैं, एक तो होती है मेहनत, कि मैंने अपना टाइम लगाया ठाकुर जी के, जैसे आपने ये भक्त है और भी भक्त है जो खिचड़ी प्रसाद बंटवा रहे हैं, जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं, अपना अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, आगे आगे देखो होता है। मेरा टॉपिक नहीं है अलग ही, पर यही टॉपिक है। टॉपिक का मतलब क्या है, टॉपिक का मतलब होना कि हमारी चेतना में, या मैं श्लोक बोलूँ आप इस श्लोक का उच्चारण करोगे, सीख के क्या जाना है लाइफ में कैसे होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब मैं श्लोक बोलता हूँ, श्लोक पीछे से प्रयास करेंगे सर, और उसके अंदर सिखाऊंगा कि भगवान उस श्लोक में क्या समझाना चाहते हैं, कि हाउ टू लिव प्रैक्टिकली, ठीक है। 2.38 श्लोक है सर, एक श्लोक है, तो एक बार मैं श्लोक पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। अभी मैंने बोला कि भगवान को तोतली भाषा गलत अच्छी लगती है, तो गलत बोल देना। सुख दुखे अभी नहीं बोलना, पहले एक बार सुन लेना। सुख दुखे समाकृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धाय युज्यस्व
नैवम पापम व पाशिति। तो मैं तीन तीन शब्द बोलूंगा, वो पीछे बोल सकते। सुख दुख के समय, सुख दुख के समय, लाभालाभो जया जयो, लाभालाभो जया जयो। रिपीट करेंगे, सुख दुख के समाकृत्वा, सुख दुख के समाकृत्वा, लाभालाभो जया जयो, लाभालाभो जया जयो। ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व। नैवं पापं वपाससि, नैवं पापं वपाससि, नैवं पापं वपाससि, नैवं पापं वपाससि। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा बोलकर? जी। तो एक एक शब्द का मतलब ही ले लें, सो दैट यू कैन फील। सुख का मतलब पता है? सुख। दुखे का मतलब तथा दुख में। समय का मतलब संभाव। ये सा मा यानी है, सा मा एक ही मात्रा, समय। समय, समय का मतलब संभाव से। संभाव का मतलब समझते हो? संभाव सब में एक समान। अब एक भिखारी आया, आज सुबह मैं ट्रेन में आ रहा था। देखो मैं बीच बीच में बता रहा हूँ, मेरा मोटिव नहीं है श्लोक रटवाना। मेरा मोटिव क्या? कल ही मैं लेक्चर में सुन रहा था कि जो सुना है उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करना तो बेकार है। ऐसे तो हजारों करोड़ों ज्ञान लेते हैं यूट्यूब पे वीडियो, इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो कूड़ा है, टाइम वेस्ट है। तो जो थर्ड जेंडर होता है, थर्ड जेंडर को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो ऐसे खुसरे बोलते थे उसको, क्या बोलेंगे? नपुंसक। थैंक यू, अच्छा हुआ। तो ट्रेन पर मैं बैठा था, अब मैं पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ यहाँ पर। हर बार गाड़ी में वो आके मांगने के लिए वो ताली बजाते हैं, तो मैंने कभी भी नहीं दिया, आ जाया। और वो हमेशा मेरे को पता है क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्योंकि मैं तो चैंटिंग कर रहा होता हूँ, जो खाली तो बैठते नहीं है ट्रेन में, टाइम थोड़ा लगने, तिलक भी लगा होता है, तो मैं मुँह धोया, तिलक ही लगाना भूल गया। तो आज भी उसने बोला राधे राधे। तो कल ही मैंने लेक्चर में सुना था, भी उनके अंदर भी तो परमात्मा है, वो भी मंदिर में आएंगे तो उनको भी इक्वल ट्रीट करना है, उनको भी प्रसाद में सेम लाइन में बिठाना है, उनको भी वैसे ही माता जी प्रभु जी जो भी आप मतलब माता जी प्रभु जी बोलेंगे ट्रीट देम इक्वली संभव। हमने कहा राधे राधे प्रभु, कुछ तो मैंने 10 करोड़ निकाला, भगवान को ऑफर किया, दे दी। भीख देना गलत होता है वैसे, लेकिन अगर भीख आपको कृष्ण को सेंटर में लेके देते हो ना, तो उसका कोई फल नहीं मिलता। तो 3 तरह के कर्म होते हैं, मैंने कई बार क्लासेस में बताया हुआ है। दैट इज कर्म का मतलब पता है? कर्म को 3 कैटेगराइज कर दो। एक होता है अकर्म, बाकी 2 आप बताओ यार, किसी को पता है? कर्म और सकर्म। वेरी गुड। एक हो गया अकर्म, एक विकर्म और एक सकर्म। सा का मतलब अच्छा, यानी कि जो पुण्य कार्य करते हैं। वी का मतलब बुरा, ठीक है, विकर्म जो बुरे कार्य करते हैं। आ कर्म ना अच्छे के लिए करते हैं ना बुरे के लिए करते हैं। जब हम भगवान को मध्य रजन में लेके आते हैं कि भगवान आपकी लक्ष्मी है और मैं ये राधे राधे बोल रही है, इसका मतलब इसके मन में परमात्मा है, तो वो उसको भी हेल्प करने के लिए, मेरा कोई रोल नहीं है। अकर्म, आप बोलो पुण्य और ले जाओ भैया, कोई बात नहीं, तुम भी क्या रखेगा किस रही से बाला में, ये तुम कर्म बंद करके बचो। दैट इज कॉल्ड सकर्म। विकर्म का मतलब हो गया चलना भाग यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा है, दान भी नहीं दिया, गालियां लग दे रही, ये पाप का भागी हूँ। तो भी नहीं देना तो हाथ जोड़ लो ना, पाप के भोगी क्यों कर दिया। आज ही बात है अंदर आज ही अच्छा उनको ना चेयर दे देना, प्रभु जी एक चेयर दे दो आप। ये अच्छा माता जी आप ना आप इसे आप ही सोचिए, माता जी किधर से प्रभु जी देना आपको भी चाहिए। तो अभी हमने क्या बताया? 3 तरह के कर्म थे, अकर्म विकर्म एंड सकर्म। सकर्म का मतलब पुण्य, और जब पुण्य होता है तो उसका फल जरूर मिलेगा। अब सुनो कहानी, बेटा बोलना नहीं है प्लीज।
ये कहानी मैंने पुराने भक्तों को सुनाई भी है, आपको सुना रहा हूँ। जो अक्रम बताया, कोई मांगने आया, भगवान का नाम लिया, कृष्ण जी ये आपका मोर लग रहा है, नाम ले रहा है तो मैं आप इसको दे रहा हूँ, तो वो अक्रम हो गया। नहीं ये नहीं, आदि जी थोड़ा सा सुनने में लगे, मैंने बोला था ये लक्ष्मी आपकी है प्रभु, और ये लक्ष्मी मेरा कोई योगदान नहीं है, आपकी लक्ष्मी मैं इनको दे रहा हूँ। वो जरूरी नहीं है नाम ले रहा है नहीं ले रहा, वो नहीं भी ले तो भी चलेगा, लेकिन हमने उससे नाम बुलवा ले, अगर वो ले रहे हैं तो ठीक है, हम उसको बोलेंगे हरे कृष्णा, अगर उसने बोला हरे कृष्णा, कोई कर्म बंधन नहीं है इसमें किसी भी कर्म का, ये अकर्म हो गया, ये अकर्म विकर्म समझ गया कि जो पाप उसको ज्ञान दे दिया तो सारे काम करते हैं। हाँ हाँ ठीक बात। सुकर्म, सुकर्म का मतलब था जैसे कि सपोज इन प्रभु जी को अभी भक्ति भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था, कोई भिखारी मांगने आया, इन्होंने सोकर और निकाला, चल खा ले यार तू भी क्या करेगा, ये हो गया सुकर्म। अब इसमें भक्ति नहीं है तो इसका इनको पुण्य तो मिलेगा क्योंकि काम तो अच्छा ही किया, दान तो दिया, लेकिन वो दान में भगवान नहीं है, दान इन्होंने अपनी शेके के लिए दिया, इनके पास पैसे हैं उन्होंने दे दिया। अब उसने 100 रुपए का या तो शराब पी या नॉनवेज खाया या काम की चीज ली, उसने जो भी किया ना उसका कर्म बंधन इनको लगेगा। लेकिन अगर ये भगवान को सेंटर में कर देते तो इसका कर्म बंधन, वो शराब पीता, नॉनवेज खाता या दवाई देता या अपना भोजन खाता, तो किसी भी तरह का कोई कर्म बंधन नहीं होता। उसी चीज के ऊपर एक कहानी सुना रहा हूँ आपको, उसी क्लियर हो जाएगा। सकर्म वैसे बोला जाता है उसकी जो भक्ति है ना बड़ी सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म भक्ति, कोई बुक नहीं है, भक्ति मन का विषय है ना। अब वो ना डिपेंड करता है मेरी चेतना के ऊपर कि मैं किस चेतना में मांग भी रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल माता जी माला करो, एक टाइम पे एक काम, ये हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जब 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 हम एक टाइम पे एक काम करेंगे उसकी उसका रिजल्ट करोड़ों गुना हो सकता है, सॉरी क्योंकि ये हमारा काम है सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चेतना की बात कर रहा था, मेरा बच्चा सपोज पढ़ाई में डलाएगा, अब मैं भगवान को बोलता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि मैं कृष्ण को मानता हूँ, आप मेरी मदद करो, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं चाहता हूँ कि वो 12 में अच्छे नंबरों से पास हो, तो मैं भगवान से लेन देन तो कर रहा हूँ, ये तो सहक्रम होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए, लेकिन अगली लाइन ये जोड़ता हूँ कि ताकि कोई ये ना बोले कि जो भक्तों के बच्चे होते हैं जो माला करते हैं वो डफर्स होते हैं, तो लोग ये भक्तों को भी अच्छी दृष्टि से देखें। तो मेरी चेतना क्या है कि भक्तों के समाज में, दुनिया के समाज में ये भक्ति करे और पढ़ा लिखा बने, तभी हम अपने जितनी भी कम्युनिटी है उन सबको बोलते हैं, जितने यूथ हैं, कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, जो एक अच्छा इंसान है वो एक अच्छा भक्त अच्छा बन सकता है, लेकिन वो खुद ही रो रो के पढ़ रहा है, रो रो के सब काम कर रहा है, तो भक्ति के आड़े बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको। तो अब मैंने अभी भी मांगा भगवान से, लेकिन व्यक्ति सेंटर में भक्ति तो ये सकर्म नहीं है, ये कर। अब मेरी हेल्थ खराब है, अब मैं बोलूं कि भगवान मेरी हेल्थ ठीक कर दे, ये सकर्म है, लेकिन मैं बोलूं भगवान मेरी हेल्थ ठीक कर दे, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, ये अकर्म है। तो सारी बात हो जाती है मेरी चेतना में कि हम किस कॉन्शियसनेस में रहकर भगवान से आदान प्रदान करते हैं। एक कहानी सुनाऊंगा मैंने, पहले कहानी सुना, तो मैंने भी बताया था कि हम किस चेतना में रह के भगवान से आदान प्रदान करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बंदा था, वो भी डिवोटी नहीं कहूंगा मैं उसको, ठीक है, एक पर्सन था, वो देवी माता जी की पूजा करता था, और जो उसका भाई था वो कृष्ण जी की पूजा करता था, क्योंकि उसको पता है भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारण, वही सब कारणों के कारण है, और वो साक्षात भगवान है, राम कृष्ण जी की बात है, ठीक है, और बाकी देवी देवता है, भगवान उनको शक्ति देते हैं, देवी देवताओं को वो कुछ दे सकते हैं आपको, जैसे प्राइम मिनिस्टर शक्ति देता सीएम को भी कर दे इनका करियर, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल नहीं देगा तो सीएम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे नहीं देगा वो, ठीक है। तो सेम भगवान जो है देवी देवता को ऑथराइज करते हैं कि भाई आप कर सकते हो। तो वो जो देवी का था वो
मंदिर घर में एक ही बना हुआ था, तो वहाँ पे देवी माता भी थी और कृष्ण जी भी थे। अब वो जो कृष्ण जी को आता था वो फूल अर्पित करता था, प्रेयर करता था, चला जाता था। फिर बाद में उसका भाई आता था, वो देवी माता को धूप दिखाता था। तो फिर एक दिन सोचता है कि मेरा भाई कितना चालू है, फूल चढ़ाता है भगवान की, देवी माता को तो कुछ नहीं हुआ और मैं धूप दिखा रहा हूँ, ये जो सुगंध है ये तो भगवान जी भी ले रहे हैं। उधर से फूल तो इनको नहीं मिल रहे लेकिन खुशबू तो ये भी ले रहे, तो ये तो गलत बात है। तो वो क्या करते हैं, उठा के ना गोपाल जी को ऊपर बिठा देते हैं दो लेयर, और फिर वो धूप में मिल जाएगा। अब वो धूप फिर हवा तो ऊपर उड़ेगी, ऊपर देखते हैं कह रहे हैं यार ये बड़े चालू है, अब तो पूरी ले रहे हैं, अब तो पूरा का पूरा सुगंध ले रहे हैं। वो क्या लेता है, कॉटन लेता है और भगवान की ठाकुर जी की कानों में नाक में घुसे डालते हैं, कह रहे नाक में घुसे तो अब लोग खुशबू है, क्योंकि मैं तो देवी माता को मानता हूँ। जैसे ही वो नाक में रुई घुसेड़ता है ना, वो गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं, कह रहे मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ। वो देवी माता के उपासक को बोलता है, कह रहा सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं आपकी भक्ति नहीं करता हूँ, मेरा भाई करता, रॉन्ग नंबर, वो उसको दर्शन देने होंगे, मैं उसको बुला लूँगा। कह रहा नहीं नहीं मैं आपसे खुश हूँ, मैं आपकी पूजा नहीं करता। कह रहे मैं लेकिन आपसे खुश हूँ। कह रहे क्यों खुश हो, मैं तो उठा के ऊपर रख दिया, मैं तो आपको धूप भी नहीं दे रहा, मैं तो आपके नाक में कॉटन डाल रहा हूँ, आप फ्रेग्रेंस लेते हो। कह रहे इसीलिए खुश हूँ। कह रहे इसमें खुश होने वाली क्या बात है, नहीं कह रहे क्योंकि तुम मेरे को साक्षात समझ रहे हो कि मैं ले रहा हूँ, वो सिर्फ मुझे मूर्ति समझ के फूल चढ़ा जाता है, फील नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। तो भगवान जो है पर्सन है, पर्सोनिफाइड है वो, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे आदान प्रदान करते हैं। प्रार्थना का मतलब कौन बताएगा, प्रार्थना का मतलब क्या होता है, कोई एक कोई प्रार्थना बताओ जो आप सब लोग करते हो, प्रार्थना बताओ ना, कोई दिन में आप कुछ प्रार्थना करते हो, मैं बोलूंगा ना आप प्रार्थना करते हो, आप सब हाँ बोलो हाँ करते हैं, क्या करते हो कोई एक बताओ, देखते हैं क्या प्रार्थना है, तुम्हारे लिए आप ही बताओ, बताना पड़ेगा। सर मैं अपनी प्रभु जी मैं अपना मतलब मॉर्निंग भजन सुनती हूं और हरे कृष्ण। आप प्रार्थना में क्या बोलते हो भगवान, फैमिली ठीक है, सुख संपत्ति घर मैंने भजन सुना था सारे पासे सुख होए किसी को दुख होए, ठीक है गुड वेरी गुड। तो प्रार्थना का मतलब पता क्या होता है, भगवान से बात करना, दिस इज प्रार्थना। जब हम भगवान को अपना समझेंगे तभी तो बात करेंगे, नहीं तो बात ही नहीं करेंगे। भाई इस गुड़िया को कोई भी चीज चाहिए, या ये तो और छोटी है इस गुड़िया को, बेटा आपकी एज कितनी है और आपका नाम क्या, खनक, वेरी गुड। अगर आपको कोई चीज चाहिए होगी तो किसके पास जाओगे, मम्मा के, पापा के पास नहीं जाओगे, मम्मी के पास जाओगे या पापा के पास जाओगे, अगर पहले किसके पास जाओगे, मम्मी के पास या पापा के पास, और मम्मी नहीं मानेगी तो पापा को साइन कर दी, पापा बैठे आपके भी एक लो जी आपको साइन कर दी, बहुत अच्छी बात है सीधा भगवान। तो कहने का मतलब है अगर हमारे को कुछ चाहिए तो हम किसके पास जाते हैं, अपने माँ बाप के पास। तो भगवान हमारे कौन है, सीधी सीधी बात। तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, चेतना क्या मांगना है, लेकिन बच्चा कुछ भी मांगे है ना तो भगवान को लगेगा मजा आ गया, वो कुछ भी मांगे भगवान के मजा, उसको समझ नहीं है। कल मैं क्लास ले रहा था, एक माता जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मेरी क्लास खत्म हो गई थी 7:30 शुरू की, 9:05 हो गए, 9 बजे रात रात माता जी ने कहा, वो सीनियर माता जी काफ़ी अच्छी भी बोल रही है, तो उन्होंने कहा गुरु जी मैं चंडीगढ़ गई थी, लखनऊ गई थी, बिल्कुल बता के गई थी, तो वहाँ पे अपने मदर से मिलने गए थे, तो उन्होंने बोला कि वहाँ भी ना पड़ोस में एक लेफ्टिनेंट कर्नल रहता था, रहता है था सॉरी, तो कल मैं उसको टॉपिक बता रहा था, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, अगर से अटैचमेंट होती है तो आप दुखी खाओगे, अटैचमेंट ड्यूटी बाउंड होनी चाहिए, मेरे बच्चे आपकी ड्यूटी है पालू,
आपके माँ बापा की आपकी ड्यूटी है सेवा करना, पीछा छुड़ाना सेवा नहीं है, भक्ति नहीं कर सकता। जो अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर सकता वो भक्ति नहीं कर सकता। जो आपकी ड्यूटी है करो, बिजनेस ड्यूटी है करो, नौकरी ड्यूटी है करो, भगवान सेंटर, माँ बाप के प्रति ड्यूटी है करो, बच्चों के प्रति ड्यूटी है करो, वाइफ के प्रति ड्यूटी है करो, हस्बैंड के प्रति ड्यूटी है करो, सेंटर में कृष्ण को दे रहा कैसे लाना बता दो। तो कह रहे लेफ्टिनेंट कर्नल था, उसने अपने बच्चों को खूब लिखाया पढ़ाया, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बात करी थी, अभी आप सबको भी बोलता हूँ, अपने अड़ोस पड़ोस पूरा मोहल्ला, एक मोहल्ला, दो मोहल्ला, पाँच मोहल्ले, सौ मोहल्ले, हजार मोहल्ले, सबसे पूछ लेना आपकी लाइफ का गोल क्या है, पता क्या कहेंगे सब। वही मैंने बोला था जी गोल क्या होना है, कुछ नहीं चाहिए हमारे को, तो बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएं और घर में कोई रिश्तेदार आए तो दुखी से ना जाए, अच्छे से जाए, समाज में हमारी इंसल्ट ना हो, और भगवान दो रोटी देता रहे, दो रोटी के नाम पे गाड़ी और मकान भी चाहिए, इंक्लूड होता दो रोटी के अंदर, और बस और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, यही गोल है। बोले भगवान का कोई रोल है, भगवान ही है सब कुछ, लेकिन भगवान का रोल कुछ नहीं है और आपका गोल भी कुछ नहीं है। कोई दूर दूर तक भक्ति नहीं है, कोई दूर दूर तक भगवान नहीं है, क्योंकि मैंने पूछा गोल क्या है तो उन्होंने बोला गोल यही है, और ना मैं हंसते हंसते ऊपर जाऊँ, कोई कष्ट भी ना मिलेगा, बेड रिटर्न भी ना, ये भी गोल है, सब मानते ही यही चलते हाथ पाँव चले जाए, चाहे जल्दी चले जाए लेकिन चलते डिपेंडेंट होना अच्छा, अरे कष्ट लेना तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। अब ध्यान से समझना, देखो मैं जो अभी कल की बात है, तो अगर ये मैं लखनऊ में थी तो साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, तो उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनके दोनों बच्चे बाहर सेटल हैं, तो हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, अमेरिका में जाए, कनाडा में जाए, या मैं यूके में जाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े बॉय, अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, इंडिया क्यों आएगा, झट माने इंडिया 50,000 रुपये कमाने थोड़ा आएगा, वहाँ 5,00,000 रुपये मिलेगा महीने के, आप बोलो नहीं पागल है क्या, क्यों इतना पढ़ा लेगा, 5,00,000 रुपये कमाना भाई, 50,000 कमाएगा, पोल्यूशन है दिल्ली में, मर रहे हैं लोग, यू सेटल देयर, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, एवरीबॉडी सेज लाइक दिस, दोनों वेल सेटल कनाडा और अमेरिका, मन मर गई, आना बड़ा मुश्किल, छोटा बेटा कैसे कैसे आ गया चौथे में, भैया वो अभी तक राख रखी हुई है, हरिद्वार में चढ़ानी है तो किसी को तो जाना पड़ेगा, तो बाप ने पूछा, ये देखो भी 3 दिन पहले की बात होता, बाप ने पूछा बड़ा नहीं आया, तो वो कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर वो किसी और को बोल रहा था अपने फ्रेंड को, यार बड़ा भाई का भी बड़ा बुजुर्ग शेड्यूल है, मेरा एक बड़ा बुजुर्ग बोलता है मेरे को मालूम है कैसे आना, बस जल्दी ये काम खत्म करूँ और जाऊँ, कह रहे बड़ा भाई कब आएगा, कह रहे बड़े ने क्या इस बार तू चला जा पापा के टाइम पे मैं चला ये भी परसों की बात, परसों चौथ की बात, दिस इज द ट्रू, व्हाट इट ऑल, हु इज रिस्पांसिबल सर, हु इज रिस्पांसिबल, डेफिनेटली बिकॉज़ वी आर नॉट गिविंग द कल्चर्स टू आवर चिल्ड्रन, हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कहते हैं पढ़, That's it. इसके अलावा कुछ नहीं सिखाते, और वही मेरी माता जी से कल काफी देर तक बात हुई, तो फिर आगे सुना भी स्टोरी खत्म नहीं हुई, दिस इज नॉट द स्टोरी, तो जब उसके बाप को ही पता चला उसको इतना बुरा लगा, तो उसने एक नोट लिखा कि भाई बार बार टाइम तो मिलेगा नहीं आने के लिए, तो एक ही बार कर जाओ सब कुछ जो करना, ये कमिटेड सोसाइटी छोटा कर जा, तो यही करता बड़े को जरूरत नहीं, तू आया तेरा भी टाइम खराब हो गया, फिनिश, दिस इज इंडिया नाउ, अमेरिका में तो पहले से होता है, बड़ी कॉमन चीज़ है, पहले तो अमेरिका में तो लात पड़ती ही पड़ती, माँ बाप को लात नहीं पड़ती, और वहाँ पे कल्चर है कि जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं माँ बाप पार्टी करते हैं, फेयरवेल पार्टी करते हैं, बच्चे अपना सेटल हो जाते हैं बाहर, माँ बाप अलग ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है वो लात मारे इससे पहले उनको खुशी खुशी अलग कर दो, दे नो कि लात पड़ने वाली, क्योंकि उन्होंने भी यही किया था अपने माँ बाप के साथ, कल्चर हो, तो उन्होंने बोला कि हम बच्चों से आसक्ति रखते हैं, मैंने कहा तुम माता जी बताओ ना गलती किसकी, लेफ्टिनेंट कर्नल और उसकी वाइफ की गलती है बच्चों की गलती, तो लेफ्टिनेंट कर्नल और उसकी वाइफ की गलती 100% उनकी गलती, तो क्या गलत किया बच्चों ने, आपने पहले दिन से कुछ नहीं सिखाया,
कि माँ बाप की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, पढ़ाई के अलावा क्या क्या चीजें जरूरत है। कभी उनका कान नहीं मोड़ा गया कि मंदिर चल, माला कर, राम का नाम ले, रामायण पढ़, रामचरित मानस पढ़, 5 मिनट पढ़ रोज। अरे तू 24 घंटे वो कर रहा है, 23 घंटे वो कर रहा है, 5 मिनट तो वो कर, 10 मिनट तो वो कर। नहीं नहीं, क्यों? हमारे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम खुद ही नहीं करते। प्रॉब्लम इज दिस, क्योंकि हमारे माँ बाप ने, सबकी बात नहीं करना, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनल, हमारे माँ बाप ने भी यही बोला, सबके नहीं, बेटा पढ़ लिख ले कुछ बन जाएगा, किसने ये नहीं बोला भगवद गीता पढ़ ले कुछ बन जाएगा, बोला नहीं बोला। ये आज की बात नहीं कर रहा, ये 100 साल 200 साल ये चल रहा है। जब भी कोई लगातार जब मंदिर जाने भी लग जाए तो उसको ये घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, और भक्त बन जाएगा, कहा जा रहा है तू भक्त बन जाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, जाने और ना दे। तो मैं भी लेक्चर सुना था 4 घंटे का, मैं बहुत लेक्चर सुनता हूँ, बहुत ज्यादा, मैं दिन में 1-2-3 घंटे भी सुन लेता हूँ। तो बोला था कि जितने सीनियर भक्त होते हैं ना, वो जितना ज्ञान लेते हैं ना, उन सबको विज्ञान में कन्वर्ट करते हैं, और जो नए नए भक्त होते हैं जिसको अभी साल हुआ, 2 साल 5 साल 10 साल, वो ज्ञान ही अर्जित करते रहते हैं। तभी वो श्लोक बताया, ज्ञान कर्म आदि स्वयं कुछ नहीं। If you don't implement on ज्ञान, ज्ञान लेना जरूरी है तभी तो implement करोगे, but if you get the ज्ञान और implement नहीं किया तो फिर ऐसे ज्ञान का फायदा क्या? अब देखो गुणवत्त मानना, बिल्कुल गुणवत्त मानना, ओपन माइंडेड सुनने वाली बात है। हम मंदिरों में जाते हैं, पंडित जी मिलते हैं, सबकी बात नहीं करना, कई जगह अच्छे भी होते हैं, ठीक है, पर मेजोरिटी उनमें तम्बाकू होता है, गुटखा होता है, चाय भी पी रहे होते हैं, और अकेले में शायद बीड़ी भी पी रहे होते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, ओपन माइंड। आप मंदिर में गए, आपने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, आपने करा, पंडित जी ने कितनी ज्ञान की बातें बताई आपको, लाइफ में आप 20-25-50 साल के हो, यहाँ पे आते हो, यहाँ पे एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि ज्ञान की बात ना हो। ये लोग ख्याल ही बैठे थे, तो मैं इनके साथ बैठ के 20 मिनट बात करके आया, उसमें भी फिल्मों की बातें नहीं करी। यहाँ पे कोई भगवान के दर्शन करे, वो सुंदर दुनिया के भगवान को देखे जाए, फोटोज लगेगी सिर्फ, मतलब 2 मिनट देखे जाएगा, ठीक है, उसके अलावा सिर्फ ज्ञान और उसको इम्प्लीमेंट की बात की जा रही है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज अध्यात्म। अभी तो मैंने श्लोक का वर्ड मीनिंग पे दूसरे पे था, श्लोक का मीनिंग मैं से एक श्लोक ही नहीं खत्म होता मेरी क्लास में। संभव कहाँ से शुरू हुआ था? नपुंसक से, आगे था कृतवा, कृतवा का मतलब करके, लाभ अलाभ हो, लाभ में और हानि में, जय और विजय में, जय विजय, तत् तत्पश्चात युद्धाय, युद्ध करने के लिए जो जस्वा, लगो या लड़ो ना कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अप्यासी प्राप्त करोगे। तो मीनिंग है तुम सुख या दुख, ध्यान से सुनना, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। किसके लिए युद्ध करो? युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आप पढ़ो, पढ़ाई के लिए पढ़ो, ये मत सोच के पढ़ो कि मैं पढ़ रहा हूं ना तो मेरे को बहुत सारा पैसे आ रहा है, तो पढ़ाई अच्छी आ जाएगी। मैं मटीरियल एग्जाम्पल देता हूँ, आई हैव सीन वन फिल्म 3 इडियट्स, अब सबने भी देखी होगी, उसमें लास्ट डायलॉग शायद यही था, कामयाबी के पीछे भागो, कामयाबी बनो, कामयाबी झक मार के भी पीछे, है ना? तो ये तो मटेरियल लाइफ में भी बोला जाता है, निचोड़ तो यहीं से निकला, क्योंकि ये तो बेस है, रूट है, निकलता सब कुछ यहीं से। अगर आप भागवतम पढ़ लो ना, तो पूरी दुनिया की फिल्में की स्टोरी ना वहीं से निकली हुई है, और भागवतम में ये लिखा हुआ है आने वाले लाखों साल के बाद भी क्या होगा ये भी लिखा हुआ है, और लाखों साल पहले भी क्या होगा ये भी लिखा हुआ है। समझ नहीं पा? तो दोबारा स्टार्ट करे को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना,
युद्ध के लिए युद्ध। तो जब आप जीत के लिए युद्ध करोगे इसका मतलब आपकी इंद्रिय तृप्ति है। आप भगवान को सेंटर में ले आए, भगवान आपने कहा युद्ध करने के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, भगवान आपने मेरे को ड्यूटीज दी है मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बाकी आप देखो। तो जब उनके सहारे छोड़ोगे और आप अपना बेस्ट दोगे तो आपका बेस्ट होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि टेंशन नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी। युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो इसका मैंने पहले एग्जांपल दे दिया, अब करना। आप जिस दिन ये सोचोगे ना ये बच्चे मेरे हैं ही नहीं, ये भगवान ने दिए मेरे को, ये भगवान की देन है, अब भगवान की देन है तो मेरे को इनकी प्रॉपर टेक केयर करनी है। तो कोई भी पेरेंट्स बच्चों की प्रॉपर टेक केयर नहीं करता, क्योंकि भगवान के बच्चे तो उनको क्या सिखाना था और क्या सिखा रहे। तो आप बोलो क्या पढ़ाई ना सिखा रहे, मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा डू योर ड्यूटी, युद्ध के लिए युद्ध करो, पढ़ाई कराओ। लेकिन पढ़ाई के साथ भी तो कुछ हो रहा है, ये भी तो पढ़ाई का पार्ट था, ये भी 2 मिनट पढ़वा देते, 2 मिनट का टाइम नहीं होता, 5 मिनट, एक एक घंटा मोबाइल फोन दे देते हैं बच्चों को अपने हाथ में। 1 साल के बच्चों, 1 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, महीने के बच्चों को भी पकड़ा देते हैं ले वी के, उसको उसी टाइम से फोड़ डालते हैं। तो जब हम ये काम करेंगे ना तो हमारे को एक तो कोई कर्म बंधन नहीं लग जाता, दूसरा एंड रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलता है। इसीलिए अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे यहाँ पे छोटे बच्चों की क्लास ली जाएगी जिसमें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाएगी, उनकी एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कीर्तन करो, ड्रामा प्ले, कभी किसी को कृष्ण बनाया कभी राधा बनाया, वो खेल खेल में वो सब सीख जाएंगे जो आपको नहीं आया। संस्कार, अब संस्कार के ऊपर एक कहानी आ रही है, मैंने पहले भी सुनी, कहानी नहीं है स्टेटमेंट है। संस्कार कैसे बनते हैं, थोड़ा स्पेसिफाई करता हूँ, वैसे भी सही बट और स्पेसिफाई, मैं थोड़ा ना सरल भाषा ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ उससे थोड़ा समझ में। मैंने एक बार बताया था, अब अनमैरिड गर्ल्स कौन कौन बैठी है, अनमैरिड गर्ल्स 1, 2, 3, आप कभी मार्केट में जाओ और कुछ आवारा लड़के वो हर जगह मिलेंगे, आपको गलत नजरों से देखेंगे नहीं देखेंगे, आप ऐसा तो होगा नहीं कि आपको देखा आप चले गए तो बस ठीक है शांत हो गए ठीक है, वो आपको इधर भी देखेंगे फिर पीछे जाएंगे तो पीछे भी देखेंगे। जब ये कोई करता है तो संस्कार से नहीं पा, एक हो गया कि एक प्रभु जी ये थे और एक लड़की यहाँ पे थी, इन्होंने इनको देखा क्या ना यार बैचलर संतोष, अब उन्होंने कहा ये लड़का बहुत सुंदर लगा ठीक है, ये कहा नहीं बस देखा तो देखा, ये चला गया आ गया वो अपने चले गई, कोई संस्कार नहीं चला, वो चला गया मैं पीछे देखा अरे वाह ये संस्कार चला, आप फंस गया, ये विचार बेटो हो गया, इसको जैसे है काट दो काट। एक एग्जांपल भी ऐसे रिश्वत ऐसे करप्शन ऐसे कुछ भी So, जब हम 5 साल के बच्चे को 2-3 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे को ट्रेनिंग देने शुरू कर देंगे तो उनके संस्कार कैसे बनने लग जाएंगे, उनको हम बचपन से, क्योंकि मैं 50 साल की उम्र में अगर एक श्लोक को याद करूंगा ना तो मुझे 5-10 दिन लग जाएंगे और वो भी बड़ी जल्दी भूल जाऊंगा, यह अब हमने ऑब्जर्व किया होगा, बड़ी उम्र में याद नहीं होता वो भी ज्यादा भूलता भी उतनी जल्दी है, छोटे बच्चों को याद कराओगे एक दिन में याद कर लेगा और भूलेगा भी नहीं, और जैसे उसको जब उसने 2-4-5 साल यहाँ पे आया इस एटमोसफेयर में आके सीख लेगा श्लोक सीख लेगा डांस करना सीखेगा करताल बजाना सीखेगा कीर्तन करना सीखेगा तो उसके संस्कार इतने सॉलिड बन जाएंगे वो आपको शिक्षा दे जाएगा। अब मैं जब भी क्लास लेता हूँ घर पे जब भी क्लास ले रहा होता हूँ तो मेरी मदर मेरे साथ बैठती है, मैं मदर इज 81 है कि भाई तुमने जो सीखा ना वो हमने भी सीखा, तो तुम्हारी क्लास में बैठ के बड़ा अच्छा लगा समझ लो, तो वही हाल आपके बच्चों के साथ
वो आपको सिखाएंगे तब आपको प्राउड फील होगा कि हमने अब बनाया जेंटलमैन। ये है, ये है स्पॉन, ये है प्रभुपाद। फिर उन्होंने बोला रूट से ठीक कर दो। एक बार क्या हुआ, फोर्ड कंपनी के मालिक है, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, तो उन्होंने प्रभुपाद जी का प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था मायापुर, तो मायापुर के लिए कई 100 करोड़ रुपए दान दे दिया। तो जब वो अमेरिका में गए तो उनका हाहाकार मच गया कि भाई एक अमेरिका के बंदे ने इंडिया में मंदिर बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए दान दे दिया। वो इंटरव्यू और पीछे पड़ेगा उसके, ये क्या तरीका है, एड्स फैल रहा है अमेरिका में पूरी तरह, हॉस्पिटल बनवाओ, एड्स की रिसर्च के लिए पैसा दो। कह रहे हाँ आप सही कह रहे हो, मैंने उसी के लिए पैसा दिया। कह रहे हैं जी ये प्रूफ है, आपने मंदिरों में पैसे दिए, मंदिर में दिया है इतने 100 करोड़। कह रहे मैंने एड्स को रुकवाने के लिए पैसे दिए। कह रहे हैं मंदिर के लिए पैसे दिए। अरे तो ये मंदिर करता क्या ना पूछो। ये कहता 4 नियम पालन करो। 4 नियम में एक नियम पता है क्या, अवैध संबंध नहीं करने, ये नियम है। तो जब कोई अवैध संबंध ही नहीं करेगा तो एड्स कहाँ से होगा। वो रूट पे काम कर दिया। तुम बोला कि एड्स के लिए हॉस्पिटल करें, होने दो, उसको ठीक नहीं करेंगे हम, वो बीमारी होगी ना, उसको ठीक करने के लिए पैसे खर्चो, बेवकूफ हो, रूट ठीक कर दो। तो रूट ठीक हो जाएगी तो सब काम होगा कि नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से प्रचार किया कि रूट ही ठीक कर देते हैं। इसलिए आप अभी देखो, इससे पहले वाली क्लास में सारे लड़के लड़के थे, यूथ के थे, आप ऐसे भी यूथ में आता है, तो यूथ के लड़के थे। आपको पता होगा ऐसे ऐसे गर्ल्स फोरम भी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई माता जी भी ट्रेंड मतलब दिल्ली से नहीं आती। हमारे इस्कॉन में इस्कॉन टीन फोरम होता है, टीन एज, क्योंकि टीन एज बिगड़ने वाली होती है। इस्कॉन यूथ, इस्कॉन गर्ल्स कॉम्प्लिकेशन, हमारे ग्रस्त सबके लिए, ताकि जिस जगह पे जो शिकार हो चुका है उसको वहीं से ठीक करा जाए। ये नहीं कि भैया 60 साल के होंगे ना तो भक्ति शुरू करेंगे, वो भाई तब चला ही नहीं जाता, तीर्थ यात्रा मोड़ दिन परिक्रमा कहाँ से करेगा। जब करनी थी तो बोला पैसे कमाने का टाइम है, जब बच्चों को घुमाना था तो उसको मॉल में घुमाया, उसको बोले ये ना 2 घंटे की दूरी वृंदावन, महीने में एक बार ये वृंदावन ले चलते हैं, पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते, कुछ क्या लगेंगे, बच्चों को एक मॉल में ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, शॉपिंग कराओ, तो भी 2-4 हज़ार रुपये ले जाओ, इतने वृंदावन से होंगे आराम से, इससे भी कम में नहीं, वो नहीं ले जाएंगे। वृंदावन कभी गोवर्धन कभी बरसाना जी, हर महीने अलग अलग जगह, तो भी आपका साल में एक बार भी नहीं बारी आने वाली वृंदावन, बच्चा ही नहीं कह सकता बोर हो गया। वृंदावन भी अपनी बहुत वैरायटी है, गोवर्धन जी में बहुत जगह, नंदग्राम ये वो, फिर कभी दूर जाने में जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, इंडिया में कभी है कुछ, अमेरिका थोड़ा ना कुछ नहीं है, इंडिया है भाई। वो कल्चर देना था वो नहीं दिया, इसी तरह। तो यहाँ पे जब हम ये सीखने लग जाती है ना, दोबारा करता हूँ क्योंकि श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरे 1 घंटे का लेक्चर, अभी 1.5 घंटे का लेक्चर दिया मंदिर में इसके ऊपर। तुम सुख या दुख, हानियां लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना, तो ये मेंटल प्रोसेस है, इसको विचार में आने ही मत दो। जब हम सुख के लिए काम करते हैं ना तो अननेसेसरी दुख मिलता है, और दुख कोई मानता नहीं है। हम हमेशा क्या मानते हैं, सुख मानते हैं, लेकिन बीच में दुख प्रकट हो जाता है और वो दुख कोई नहीं मानता। तो प्रभुपाद जी कहते थे कोई एक बंदा भी दुख नहीं मांगता तो दुख आता है, आता है ना अपने आप। तो भैया सुख भी अपने आप ही आता है, चिंता नहीं, भागने की जरूरत नहीं ज्यादा। जब एक कॉमन सेंस की बात है, जब दुख बिना मांगे आएगा तो सुख बिना मांगे नहीं आएगा क्या। जो आपके प्रारब्ध में है, प्रारब्ध का मतलब ये है जो आपने बैक फल किया है ना, उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। जैसे कि बैम्बू का ट्री होता है, बैम्बू ट्री, बैम्बू की हिंदी क्या होगी, तो आप लोगों को जो थोड़ा गांव का भी शायद बेस है यहाँ पे हल्का फुल्का, तो कोई बताएगा जैसे बांस का कोई बीज या जो भी बोते हैं तो इमीडिएटली उसकी खेती हो जाती है, कितने टाइम बाद, महीनों, शायद साल, 1.5 साल, 2 साल, कई साल के बाद वो बैम्बू ट्री निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि उसकी हाइट 100 फुट तक चली जाती है, फूल पे तो उससे डूबना, अगर वो इतनी लंबी हाइट का है तो हवा तो गिरा देगी, तो वो पहले कई साल तक नीचे जाता है ताकि अपनी बेस को मजबूत करे, और फिर जितनी मर्जी आएगा फिर हवा कुछ नहीं कर सकती। और एक जो पौधा होता है जो 4 दिन में खिलता है, वो हवा का एक झोंका होता है, वो डेड हो जाता है अगले दिन सुबह खत्म। तो हमारे को अपनी रूट्स के ऊपर काम करना है,
जिस दिन अपनी रूट्स के ऊपर काम कर लेंगे उस दिन हमारे को कोई ना है। अब हम क्या करते हैं, एक श्लोक सुन के आते हैं बाहर जाके ना बोलना शुरू करते हैं। अब बताया तुमको लाभानी, वो अगला श्लोक बोल देगा आपको, हाँ यार तू भी सही कह रहा है, क्योंकि ज्ञान इनकम्प्लीट है, अ लिटल नॉलेज इज डेंजरस, फंस जाओ पूरी तरह। तो यू हैव टू स्ट्रॉन्ग टू यूर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंड यू एक्सेप्ट यू एंड यू एक्सेप्ट यू प्रैक्टिस। और अभी मैंने बताया था, हिंट दिया था आपको नीचे, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा अभी बता के आता देख लो। आजकल कलयुग में दो प्रॉब्लम है, पता क्या, एसटीएम और एलटीएम, कोई फुल फॉर्म बताएगा? एसटीएम मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एलटीएम तो है ही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस तो है ही है। छह नियम का पालन करना पड़ेगा, छह नियम का पालन करने से पहले भी कुछ करना पड़ेगा, श्रद्धा आदर श्रद्धा उससे भी पहले भक्तों का एसोसिएशन। अभी तो जब तक भक्त मिलेंगे नहीं, चार नियम कहां से आ जाएंगे बीच में, जब तक भक्त नहीं होंगे श्रद्धा कहां से आएगी, क्योंकि श्रद्धा कैसे आती है, किसी को देखकर फील आएगी ना यार रूप साधन गुरु जी की क्या प्योरिटी लेवल है, कितना अच्छा जप करते हैं, अरे बाप रे कितनी सेवा करते हैं, ये तो कोई माने जी चपाती बनाई पूरी बनाई क्लास छोड़ के ऐसी में छोड़ कर, तो फिर श्रद्धा आएगी ना, वो होएंगी नहीं तो श्रद्धा कहां से आएगी। नंबर वन, नंबर टू, कोई चार नियम बताने वाला नहीं हुआ, अच्छा बता भी दी, फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, कौन चेक कर रहे हैं, जब तक कोई चेक करने वाला नहीं है कैंसिल, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अकेला दिमाग शैतान का दिमाग, तो भक्तों के संग में बचे रहोगे। हरे कृष्ण, समझ में आई बात, इस तरह से आपको काम को करना पड़ेगा। तो इट नीड्स प्रैक्टिस एंड नहीं अभी इस पर भूल गए, प्रैक्टिस एंड टू पीस, अभी बताया नीचे टू पीस एंड लिसन प्रे प्रे इसके लिए प्रे करनी पड़ेगी, भगवान मेरे को रोना नहीं निकलता प्लीज, मतलब कोई फील आया आपके साथ मजा आना चाहिए, भगवान कहेगा कुछ कर तो मजा आएगा, क्योंकि मजा तभी आता है जब हम कुछ करते हैं किसी के लिए। आपने एक बच्चे के लिए कुछ किया, उसका रिजल्ट नेगेटिव आया है पॉजिटिव आया तभी तो फील आएगी, आपने कुछ किया ही नहीं तो फील कहां से आएगी, आपने कुछ किया नहीं तो फील कैसे आएगी। आप छप्पन भोग लगाया, छप्पन के भी ज्यादा ही बन जाते हैं, बोलू सब भोग लगा के लिए क्या था, मंदिर में 80-90 की बोली है, 80-90 भोग लगे, आपने घंटी बजाई भोग लगाया, फिर आधे घंटे के बाद उठाया देखा एजडीज पड़ा हुआ भोग, आपको फील ही नहीं आता यार, सुबह से लगे हुए हैं, पूरी बना हलवा बना भरता बना सब बना दिया, भोग लगाया मंत्र करे भगवान तो आपको लगेगा कि भगवान ने खाए नहीं, अगली बार और मन से लगाओगी। तो जब तक हम भगवान के साथ संबंध नहीं स्थापित करते रिलेशनशिप, और बोलने वो बड़ा आसानी से बोल देते हैं, ठाकुर जी जो करेंगे इसको डायलॉग थोड़ा ही, बोलना भी अच्छी बात है वैसे तो, बट कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट भी तो करो, कुछ तो करके दिखाओ उनके लिए। तो क्या करना होता है, कौन कौन बताएगा, चलो लिस्ट बना, भगवान जी क्या करें कि तो प्रैक्टिकल बताना, कोई लंबी चौड़ी बात मत बताना कि घर रहते हैं हम कर सकते हैं, कि क्या करें कि ठाकुर जी प्रसन्न भगवान प्रसन्न, क्या करें, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे इसके अंदर, मतलब मैंने क्या बोला है, हमारे को शब्द नहीं चाहिए, हमारे को सीधा सीधा सरल भाषण बताओ कि मैं ये करूंगी कि मेरे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, कोई एक काम बताओ, हर एक बंदा एक एक काम सोचो बताओ क्या बोल रहे हैं, इसमें भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे ठीक है, लेकिन इसको भगवान तो अभी तक आए नहीं है, अभी फिलहाल हम आपको डायरेक्टली भगवान जी के लिए क्या करें तो भगवान प्रसन्न, भगवान का भजन करें, भजन गा सकते हैं, वेरी गुड, और जो भी करे ना वो भोग लगाए, वेरी गुड, भगवान के लिए कुकिंग करें, खाना तो मिले भोग लगा लेंगे, वेरी गुड, और भगवान को
वेरी गुड एक्सीलेंट। भगवान को कैसे भी प्यार कर सकते हैं, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेयर उस पर बात करते हैं। और भगवान ये भगवान के नाम ले करें, जाप करें, जाप करें, ये नाम है कीर्तन करें। थोड़ी सी और प्रैक्टिकल है, भगवान क्या कहते हैं कि सुबह देर तक सोना चाहिए या जल्दी उठना चाहिए? जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ के भगवान के नाम लोगे तो थोड़ा उनको लगेगा ना कि मेरे लिए जल्दी उठ गया। अब ये 6 बजे उठता था, 6 ज्यादा जल्दी हो गया, 7 बजे उठता था, कहीं बजे तो उठती जल्दी 7 बजे तो वो कहे भगवान मैं कल से ना आपके लिए 7:45 और 15 मिनट मैं आपके लिए हरे कृष्णा बोलूंगा, क्योंकि अब मैं किसके लिए स्पेशली उठ रहा हूँ? सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मेरा तो 7 बजे उठ के भी काम हो जाता है, 8 बजे भी उठ के हो जाता है, लेकिन आज के बाद मैं 7:45 उठूंगा और 15 मिनट में उठ के 7 नहाऊंगा और नहा के मैं आपके लिए बैठूंगा आपके साथ या आपके साथ खड़े होके आपको जप करके सुनाऊंगा भगवान को सब। और लगे शुरू में नहीं आता है, नहीं आता क्योंकि मैं तो बैठ ही लेता हूँ, 90% तो बैठ ही लेते हैं, है ना माता जी? सही बात है, सबका हाल है माता जी, कोई बात नहीं, आप बैठ ही लो, नहाओ, और जब भी नहाओ तो नहाने के बाद इमीडिएटली मैं आपके सामने आऊँगा 15 मिनट, क्योंकि आज मैं 15 मिनट जल्दी उठाऊँ तो मेरे को 15 मिनट का टाइम, मैं आपसे बात करूँ। और भगवान की बात क्या होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो पुराने भक्त आ रहे हैं कृष्णा प्रभु, माता जी आपका नाम भूल गया, पहले तो मैं फोन करता था तो याद आ गया, और माता जी आप तो सबसे सीनियर हैं, तो अब कौन बताएगा हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब? क्योंकि मैंने क्या है भगवान के साथ बात करना, तो ये तो मंत्र हो गया, तो ये बात कहाँ से होगी, तो इसका मतलब कौन बताएगा? आपको भी पता होगा वैसे, आपको भी पता और ठीक है प्रभु जी आप बताओ। हरे का मतलब है नारायण और कृष्ण का मतलब तो है ही कृष्ण भगवान, और दूसरी तरफ में हरे राम में जो है ना सीता माता है और राम जी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन ये पूरा नहीं है शायद, थोड़ा मतलब कुछ हो गया, और कौन कंप्लीट मतलब बताएगा? ठीक है पुराने भक्तों में तनु माता क्या बता पाओ? हरी बोली, यस कृष्ण प्रभु आप बता पाओ, कृष्ण प्रभु हरी बोल, हम कृष्ण भगवान की शरण में हैं, नहीं हे राधा रानी कृपा करके हमें भगवान कृष्ण से मिलाएं। हाँ वेरी गुड, दिस इज द मीनिंग, हे राधा रानी कृपा करके मुझे भगवान की सेवा में लगवा, और जब सेवा मिलती है हम मान जाते हैं कि आज चपाती बनानी है, वो उसकी गर्मी में चपाती, जन्माष्टमी आ रही है आपको 2 दिन आना है, ऑफिस से छुट्टी वुट्टी कर लो कुछ, चलो 2-2 घंटे के लिए आ जाओ, चलो कुछ दान वानी दे दो, कुछ दान कलेक्ट कर दो, कुछ भी कर सकते हो, या फूलों की डेकोरेशन के लिए आ जाओ, भगवान की ड्रेसेस बना दो, चलो पैसा नहीं चाहिए, और भी सेवाएं होती हैं बहुत सारी। तो सुबह से लेकर रात तक हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, आगे आगे। तो हम मांग तो राधा रानी से सेवा रहे हैं, मांग क्या रहे हैं? सेवा। और जब सेवा आती है एक्सक्यूज मी आई एम बिजी, तो दिन रात हम ये वाला कीर्तन भी सुनना पसंद करते हैं, यूट्यूब पे हरे कृष्णा कीर्तन बड़ा मजा आता है, और फिर चैंटिंग भी करते हैं, सेवा भी मांगते हैं, और मतलब भी मैंने बता दिया, डोंट से एनी बॉडी, मुझे मतलब पता नहीं था ना, दैट्स व्हाई, तो मैंने मतलब पहले दिन ही बता दिया, बाद में कोई एक्सक्यूज मत देना।
मुझे मतलब ही नहीं बता रहा। तो आई एम टेलिंग यू द मीनिंग कि भगवान राधा रानी जी प्लीज मेरे प्रेयर है कि मुझे भगवान की सेवा में लगाओ। तो राधा रानी जी खुश होती है तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। पता है जो जितना भी किचन डिपार्टमेंट होता है ना मंदिर में वो राधा रानी जी के अंदर होते हैं। जितनी भी कुकिंग होती है राधा रानी किचन होती है, पता है आपको? क्योंकि राधा रानी जी को वरदान मिला हुआ है कि अनंत काल तक वो जब भी कृष्ण के लिए कुछ मिलेंगे वो नया ही होगा, पुराना कुछ होगा ही, यानी कि खरबो इनफाइनाइट नई देश। हम 20 के बाद सोचने लग जाएंगे, हाँ वैसे तो 20 के बाद भी फिर तो हर हफ्ते फुल सा यार कोई वही सब्जियाँ तोरी दिया टिंडे बैंगन क्या बताए, उनकी उनके पास वरदान है। तो अगर हम उनकी किचन में चले गए तो यानी कि उनका हाथ हमारे ऊपर हो जाएगा, उनका हाथ हमारे हो जाएगा तो हमारे हाथ में कभी किसी चीज़ की कमी रहेगी? चेतना कैसी होती है? तो चेतना डेवलप कैसे होती है भक्तों के संग के साथ? आएंगे नहीं घंटन को बाद सैटरडे संडे भी नहीं आएंगे, तो संडे को तो होता है घूमने का दिन, हर संडे आए हम नहीं कह रहे हम हर संडे जब मर्जी हो आपका मंदिर है, ठीक है ना? जहां तक किसी को भी डाउट, अभी श्लोक की एक लाइन हुई है बस, 5-6 घंटे जी मुझे श्लोक को खत्म कर दिया, कोई डाउट तो नहीं? अब इसका मीनिंग पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी की जय, मीनिंग श्रील प्रभुपाद जी। जब भी मैं बोलूँ ना शीला प्रभुपाद जी की जय तो सबने जोर से बोलना होता है जय, तो मैं बोलूंगा आप सबने जोर से बोलना है क्योंकि शीला प्रभुपाद जी की कृपा से हम यहाँ बैठ पा रहे हैं, उनकी कृपा से हम भगवद गीता सुन। शीला प्रभुपाद जी की जय। हरि बोल, हरि बोल। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, इसका मतलब हमारे को अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है। तो अब बोलो कि प्रभु जी अभी तो आपने बोला है कि ड्यूटी करनी चाहिए, तो हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, हस्बैंड का ध्यान रख रहे हैं, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ड्यूटी। तो जो प्राइमरी ड्यूटी थी वो तो मिस कर दी भाई, प्राइमरी ड्यूटी भगवान ने ये बोला मेरे को सेंटर में रखते हुए कर रहे हैं सब काम, तो उसके लिए क्या हम सुबह भगवान को याद कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, भोग लगा के खा रहे हैं? वो है तो ड्यूटी है। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सी क्लास में? केजी में भी पढ़ाई तो होती है, उसके लिए भी पढ़ाना तो पड़ेगा। अगर आप इसको पढ़ा रहे हो ठीक है और ये सपोज नहीं समझ रही और आपको चढ़ गया गुस्सा, ठीक है चढ़ जाता है मदर्स को तो चढ़ ही जाता है, अगर फादर्स को भी चढ़ जाता है। अब आपने लगा दिया एक चांटा, लगाया नहीं मतलब डांट दिया, तो इसमें भगवान कहाँ से अशुद्ध लेकर आए था? कहीं नहीं है ना, तो भगवान के लिए मैंने ये करने के लिए कहते हैं। एक तरफ भगवान कह रहे हैं ड्यूटी करो, आप कह रहे हो मैं ड्यूटी कर रही हूँ, तो फिर भगवान कहाँ से आ गए? तो बस यही वाली सोच में है कि भगवान ही आपके बच्चे हैं, मेरे को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो अगर उनका कोई गेस्ट आए, सपोज मोदी आपको फोन कर दे मेरा गेस्ट आ रहा है, तो कैसे केयर करोगे आप? सोच के देखो, वो आप ब्रेकफास्ट बना के रखो सामने बढ़िया छोले भटूरे हैं पनीर मार के, वो छोले भटूरे देखे कह रहे हैं तला हुआ साइड कर दो, मैंने को नहीं खाना, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उसकी मोदी का है तो मजा है या खट्टर साहब का है। तो क्या हम भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? तो ये हो रही ड्यूटी, क्योंकि आप भगवान बीच में आ रहे हैं और भगवान ने बोला इनको मेरे बारे में भी बताओ, तो वो तो बताया नहीं, मेन रोल इज एब्सेंट, तो ड्यूटी कैंसल है, तो वो वाली ड्यूटी है। क्यों ये भगवान ने कहा लिखा है श्लोक में, कहानी सुनो। भगवान कहते हैं अर्जुन को मैं तेरा सारथी बनूंगा, क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है,
एक श्लोक आता है, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा संभावानी, मैं भूल रहा हूँ पर ये श्लोक है। इसके अंदर भगवान ये अर्जुन ये बोलते हैं कि भगवान मैं ना टोटली कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पे मेरे चाचा मामा ताए गुरु सब खड़े हैं, मैं कैसे हूँ, मैं नहीं मार सकता, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, आप ही कुछ करो। भगवान कह रहे हैं युद्ध कर मैं देख लूंगा, फिर भगवान बाद में बोलते हैं मैं तेरा साथ ही बनूंगा। तो युद्ध के अंदर जब करोड़ों करोड़ों सैनिक हैं तो वहाँ शोर शराबा ज्यादा होगा या कम होगा? इतना ज्यादा होगा कान के पर्दे पड़ जाएंगे, और कितने अस्त्र शस्त्र चल रहे। तो जो पीछे बैठा होता था ना वो सारथी को कैसे ट्रीट करता था, लात मारता था। लेफ्ट में मुंडा तो लेफ्ट कंधे पे लात पड़ेगी, राइट में मुंडा तो राइट कंधे पे, सीधा जाना तो पीछे। तो भगवान ने 18 दिन अर्जुन की लातें खा ली स्ट्रेट लेफ्ट मुंडा, और अर्जुन रोता था यार भगवान बैठे और भगवान ने मेरे को बोला कि यार करना पड़ेगा। तो भगवान भक्त के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते, तो क्या हमारी प्रेयर्स भी सुन सकते? तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बोला डू योर ड्यूटी, क्योंकि वो अर्जुन भगवान का भक्त है, भगवान का शिष्य है और भगवान का फ्रेंड है। तो अभी हमारे भगवान क्या है, ये क्या रेसिप्रोकेट किया हमने उनके साथ, और हम बोल रहे प्रभु जी जो आपने बोला ना हम ड्यूटी कर, है कौन वो हमारे पहले ये तो बताओ, रिलेशन बनाया भगवान, अरे भगवान है ठीक है, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ तो मेरी कौन है वो, तो मेरी माँ है ना, रिलेशन तो बनाया ना, मैं आप सबसे प्यार करता हूँ तो हम सब डिवोटीज हैं, हम आपको माता जी का दर्जा दें, इनको भी माता जी का दर्जा दें, आपको प्रभु जी का दर्जा दें, नो मेल फीमेल, माता जी एंड प्रभु जी। तो एक रिलेशन बिल्ड हुआ कि मैं इनको देखूँ, माता जी की नज़र से देखना है मेरे को, सिर्फ बोलना नहीं देखना भी ऐसे, एक रिलेशन बनाया सो दैट ही शी कैन पुट अप एनी डाउट, तो मैं एज ए माता जी मैं इनको समझाऊंगा और ये प्रभु जी की तरह वैसे बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन द रिलेशन ऑफ गॉड, तो ही तो हमारे को ड्यूटी समझ में आएंगी। हम भगवान से संबंध बनाते नहीं है और ड्यूटीज फिर कहते हैं हम ड्यूटीज करते हैं, तो ड्यूटीज बताई किसने आपको, अब बताओ ड्यूटीज किसने बताई, तो भौतिक जगत ने बताई, भगवान ने कब बताई ड्यूटी बताई, तो वो ड्यूटीज कौन बताएगा, आप बताओ ड्यूटीज कौन बताएगा, प्रैक्टिकल बताओ कि भगवान ने ड्यूटीज कौन सी बताई है आपके लिए, आप बताओ कोई भी बताए, अच्छे कर्म करने के लिए भगवान आए आपको बताने के लिए, भगवान ने कहा ठीक है अच्छे कर्म करो, लेकिन किसके माध्यम से आपको ये वाले शब्द सुनाई दिए, कैसे पता चला, भगवान तो हमारे पास कहने नहीं आए, शास्त्रों से आप लोगों के, शास्त्रों से आचार्यों से गुरुजनों से भक्तों से, तो फिर वही वाला फॉर्मूला आ गया, जब तक भक्तों का सन नहीं मिलेगा हमारे को ड्यूटी ही नहीं पता चलेगी, तो जब तक ड्यूटी ही नहीं पता चलेगी तब तक हम सोचेंगे हम ड्यूटी तो कर रहे हैं, तो वो ड्यूटी भी मन घड़ती वाली थी, आई बात समझ में। और भक्त के पास जाओगे, अब सपोज आप जॉब करते और जॉब करते आप स्कूल में हो ना, कोई फुल टाइम वाले जॉब वाले बैठे आप फुल टाइम कितने बजे जाते हो, 6 और आते कब, शाम को 5, तो अप्रोक्सीमेटली 11 घंटे आप जॉब में रहते हो, तो ये तो बोलेंगे कि यार यही मेरी ड्यूटी है, लेकिन जब कोई इनको सीनियर मिलेगा भक्त मिलेगा तो बोलेगा आप 6 बजे जाते हो ना सुबह, और उठते कितने बजे, 4 बजे, तो 4 से 6 तैयार होने में 2 घंटे लगते हैं, क्या करते हो जब करते हो, बस यही चाहते हो कि जो एक मटीरियलिस्टिक आदमी हुआ वो तो 5 का 5:30 उठेगा 6 बजे चले जाएगा आराम से, पंद्रह नहीं भी आएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और सुबह चाय पिएगा बिस्कुट खाएगा ऑफिस में कुछ भी खा लेगा। और एक जो भक्त होता है उसको पता है 4 बजे उठना है भगवान की प्रसन्नता के लिए जब करते हैं, वो भी 5:30 सो सकते हैं, 4 बजे को उठने का टाइम, हम सब क्यों उठते हैं 4 बजे, भगवान की प्रसन्नता। तो ये इनको किसने तो बताया होगा ना जब कर रहे हैं,
ये पैदा होते साथ थोड़ा आ गया होगा दिमाग में कि सुबह उठ जाओ जब खुल, ठीक है ना। तो जो बताने वाले हैं उनका संग लेना, ये पहली ड्यूटी है। फिर उनसे पूछोगे कि भाई मैं सुबह 6 बजे चला जाता हूँ और शाम के 5 बजे आता हूँ, अब आप कहते 16 वाला होनी चाहिए अगर आप काफी लंबे समय से जुड़े हैं यार, तो 16 वाला मैं करूँगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे, यानी कि 4 बजे उठूंगा, 6 बजे तक तो मालूम कि कब नहाऊंगा धोऊंगा, कब नाश्ता करूंगा, कब ऑफिस जाने की तैयारी करूंगा, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो प्रभु जी बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर आपको लगे 4 बजे भी आपकी नींद पूरी होगी नो प्रॉब्लम, आप 5 बजे उठो, 2 माला लेंगे, बाकी शाम को कर लेना, रेस्ट करना 5 बजे के बाद, थोड़ा रेस्ट करना, 2 घंटे सो जाना, शाम के 7 से लेकर 8 साढ़े 8 तक माला कर लेना, 15-20 मिनट, वो आपको गाइड करेंगे। तो जब वो गाइड करेंगे तो आपको कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, भगवान भी खुश होंगे, देखा सुबह 2 माला याद करके जा रहा है ये, बाकी कर। और बाकी को बोलते हैं आप क्या करते हो, नहीं मैं तो हाउस वाइफ हूँ या मेरा कुछ नहीं है, मैं रिटायर हूँ, तो बोलेंगे नहीं फिर सुबह करनी है माला, 16 वाला सुबह करी हो, उसके लिए ड्यूटी क्या साइन हुई, वो बोलेगा ये प्रभु जी ना पार्शियलिटी करते हैं, उसको बोलते हैं सुबह कर लो, उसको बोलते हैं शाम को कर लो। तो ये है ड्यूटीज बताने वाला बंदा, ठीक है। आगे अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है, भगवान कह रहे हैं मेरी इच्छा है तू युद्ध कर, तो वो कर रहे हैं। तो ड्यूटी किसने बताई, क्योंकि यहां पे भगवान ही उनके गुरु हैं, तो कोई तो होना चाहिए बताने वाला। अब देखो किस किस किताब में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, कोई मैं नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, तो क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि लाइफ में हमारे को कैसे भक्ति करनी है, कैसे जिंदगी जीनी है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, अगर कृष्ण भावनामृत कार्य में, कृष्ण भावनामृत के कार्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता मंदिर में आके घंटी बजाना, कृष्ण भावना कार्य का मतलब आप संडे के संडे आए क्लास में या सैटरडे को आए, आपने प्रभु जी से पूछा कि यार मेरी लाइफ ऐसे चल रही है, मेरे को कैसे करना चाहिए, प्रभु जी बोलेंगे ऐसे कर लो तो बहुत अच्छा होगा, लाइक दिस, आपने वो किया, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं भी होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें भी भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान फेलियर से प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, या सिर्फ सक्सेसफुल वाले से प्रसन्न होंगे, 100% हो सकता है फेलियर से ज्यादा प्रसन्न हो जाए, कि उसको तो दुख भी हो रहा होगा फिर भी वो प्रयास कर रहा है, वो तो चलो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हारने वाले को तो ज्यादा दुख हो रहा है, तो भगवान हारे के साथ ज्यादा होते हैं, वो एक आता है ना हारे का सहारा, हारे का सहारा, शर्म, समझ आई ना बात। तो जो प्रयास कर रहा है उस प्रयास में फेल हो रहा है, भगवान कह रहे चिंता होती है मैं तेरे साथ हूं, टेंशन क्यों ले रहा है, तेरे को बोला युद्ध कर क्योंकि मैं चाहता हूँ, युद्ध कर तू जीत भी जाएगा तो तू स्वर्ग में जाएगा, हार भी गया तो तू स्वर्ग में जाएगा, हारने का मतलब मर गया, हार भी गया तो तू स्वर्ग में जाएगा, जीत गया तो तेरे को पूरी दुनिया का राजा मिलेगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तो दोनों ही केस में तेरी जीत है ना, उसको प्रॉब्लम क्या। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण की निमित्त किया जाए, हर कार्य। अब कोई बोलता है मैं ये करता हूं सुबह सुबह, हर कार्य भगवान कृष्ण की निमित्त मात्र, अब इसमें मैं एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं स्वस्थ रहूं, स्वस्थ रहूंगा कि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊं, ये मेरी मानना चाहिए। और अगर इसका सूक्ष्म मतलब देखोगे ना तो मुझे थोड़े दिन मिले तो आप सुन के हिल जाओगे, मोटा मोटा तो ये बता दिया कि प्राणायाम क्यों करते हैं, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहेंगे तो बॉडी अच्छी रहेगी, बॉडी अच्छी रहेगी तो भगवान का वास है बॉडी में, परमात्मा हम भगवान की भक्ति अच्छे कर पाए, खुद ही बीमार रहेंगे तो क्या भगवान की सेवा भी करेंगे, ठीक है। दूसरा मतलब पता क्या, हमारा जो बॉडी होती है वो स्थूल शरीर से बनती है और सूक्ष्म शरीर से बनती है, स्थूल का मतलब वही हो गया ये हाथ पाँव मांस खून हड्डी, और सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, दिखता है नहीं दिखता। तो बोलते हैं जब हम ये करते हैं ना तो अंदर जो वायु जाती है तो अंदर 5 तरह की प्राण वायु होती है,
तो वो जो पांच तरह की प्राणवायु होती है ना, उस प्राणवायु के अंदर मन बुद्धि अहंकार होता है। तो वो जो प्राणवायु शुद्ध होती है तो हमारे मन को सतोगुण मिल जाता है, और जब मन सतोगुण में आता है तो अच्छे कार्य सोचता है, तो हम भक्ति अच्छे करते हैं, तो हम ये भी एक्सरसाइज करते हुए ये सोच सकते हैं। चेतना कृष्ण की लानी है, जैसे मर्जी सोचो, दैट्स इट। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो तो चेतना कृष्ण में ही होनी चाहिए। कोई बोले एक बार बताओ मेरे बच्चे, ये तो बहुत छोटी है, वो 10 साल है, खनक ना, स्पेलिंग बताओ, और मतलब नहीं, मतलब 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 ये बता, मुझे भी नहीं पता। आवाज कर, आवाज की आवाज, की आवाज। मैं क्या एग्जांपल बोल रहा था, हाँ ये बोलती है, आप फादर है ना, आपकी मदर कौन है आप? अच्छा, अब बच्चा बोलता है मेरे को फिल्म दिखाने ले जाओ, बाकी सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, आप बच्चे को बोलोगे नहीं नहीं देखनी चाहिए फिल्म, बच्चा कहना नहीं, एक फिल्म मैं एक महीने में या छः महीने में बोल रही हूँ एक फिल्म दिखा दो, और वो अच्छी भी है, आपको भी लगता है ना ठीक है फिल्म तो ठीक है, तो आप फिल्म देखने सिनेमा हॉल में गए, 3 घंटे आप भी बैठे, कोई बच्चों को मिले तो भेजोगे, फिल्म में एक्टर एक्ट्रेस ये गाने वाने मार कटाई जो भी हो उसको भगवान ना समझे, अब उसको कृष्ण में कैसे ला सकते हैं? यही सोचना है कि बच्चों को हमारे को जेंटलमैन बनाना है, बच्चों की विशेष को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो जब वो मेरी बात मानती है, एक माला करती है दो माला करती है, तो मुझे भी उसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वो विरोध करेगी, तो फिर कृष्ण में तो सोचने का चेंज तरीका करना पड़ेगा, हर चीज ऐसे सोचनी है। अब फिल्म देख रहे हो उसमें भी आ गया, हम लोगों को तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम कोई भी गाना सुनते हैं ना, अगर गाना सुनते नहीं है इंटेंशनली, लेकिन कोई अगर डीजे चल रहा तो आवाज तो जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जाएगी, बोले हो नहीं राम 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 राम, ऐसा थोड़ा ना होगा, कान थोड़ा बंद कर ले, तो वो जैसे गाने की ट्यून जाती है ना उसी टाइम हरे कृष्णा की ट्यून जाती है, और मैंने बहुत सारी ट्यून सुना, कोई गाना अगर कान में चला गया तो मैंने फटाक से ट्यून, और वो पूरे कई दिन तक वही निकलती है ट्यून मेरे मुँह से, बाइक पे जाते हैं गाड़ी में चलाते कुछ, तो आपको लाइफ स्टाइल ही चेंज, टाइम कितना हो गया हमारा, बस हम तो यहीं पे खत्म करते हैं, मैंने पूरे श्लोक का निचोड़ बता दिया, कि पूरे श्लोक का निचोड़ ये था, किसी का कोई डाउट है शॉर्ट में पूछ सकता है, किसी का कोई छोटा मोटा डाउट है, ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने।